Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? I hope आप सब अच्छे हैं। तो हम दरअसल मिले हैं GTV। तो चलो गाइस, जैसे कि अगर आपने लास्ट वाला एपिसोड देखा होगा तो गाइस आप लोगों को तो पता होगा कि गाइस यहाँ पर हम कायो पेरिको गए थे, वो भी गाइस डगन बॉस की फाइल्स को चुराने के लिए। अब गाइस सीन ये हो गया था, मतलब गाइस जो मिलिट्री वाला कर्नल है उसको ये पता चल गया था कि मतलब गाइस जो उसके पास फ्रैंकलिन था वो नकली था और असली फ्रैंकलिन अब भी जिंदा है। मतलब गाइस यहाँ का जो कर्नल है फ्रैंकलिन के पीछे पड़ा हुआ है और गाइस उसने फ्रैंकलिन को और गाइस मतलब लेस्टर को गाइस अपने कब्जे में ले लिया है और वो मेरे से ये बोल रहा था कि जल्द से जल्दी एल रूबियो कायो पेरिको आइलैंड जाओ, वहाँ पर एल रूबियो की फाइल्स होंगी, वो चुरा के लेके दे दो मेरे को और तुम जो ना अपने दोस्तों को चुरा के लेके जा सकते हो। गाइस डील तो यही हुई है। तो चलो गाइस अभी जल्द से मैं मिलिट्री बेस के लिए निकलता हूँ क्योंकि गाइस अपने पास कोई और चारा नहीं है। तो चलो गाइस, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो तुम्हारा भाई हेलीकॉप्टर को उड़ा उड़ा था भगा दबा सीधा पहुंच चुका है मिलिट्री वाले कल का पर। और तेरी भैंस की एक सेकंड, अबे ये कौन आरपी चला रहा भाई, ये पागल वागल तुम हो गए, तुम्हारी ऐसी कम दसी। अबे भाई साहब ये तो भाई आरपी चलाने पा चुके हैं, मैंने भाई मिलिट्री वाले कल कॉल कर दिया था कि मैं आ रहा हूँ यार। ये भाई साहब कितने ज्यादा भाई 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 ये तो मार देते भाई। वो तो अच्छा होगा ये जो हेलीकॉप्टर ना ये उत्तरी भैंस की, ये क्या सीन चल रहा है भाई, यहाँ पर तो अटैक करने भाई ये लोग। भाई भाई वो तो अच्छा होगा यहाँ पर मैंने मिलिट्री वाले कर लो कॉल कर दी थी और ये जो हेलीकॉप्टर नहीं कहता पूरा बुलेट प्रूफ है तो इसलिए इसको कुछ नहीं हुआ और मैंने यहाँ पर आर्मर वार्मर डाला हुआ है। उत्तरी भैंस की ये बंदा कौन है भाई, आरपी चला रहा है तेरी ऐसे। ओ भाई 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 मैं बजा कर रख दूँ एक सेकंड, कर्नल से बात करनी पड़ेगी अगर यहाँ पर तो अटैक पर अटैक हो रहे हैं भाई और तेरी भैंस का एक सेकंड। तो चलो गाइस जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो गाइस फाइनली यहाँ पर जो आरपीजी चलना बंद हो चुके हैं, पता नहीं यहाँ के लोगों को क्या हो गया था। वो तो अच्छा हुआ गाइस यहाँ पर जो मिलिट्री वाला कर्नल है उसने सब कुछ रोक दिया है। अभी गाइस यहाँ पर आप लोग देखो ओ तेरी भैंस की क्या करना चाह रहे हैं भाई। ओ एक सेकंड, सारी जो फाइल्स हैं वो तो हेलीकॉप्टर में रह गई हैं। वाह भाई वाह, अब भाई मेरा ध्यान की तरह है। एक तो गाइस ये जो लोग आरपीजी पारपी चलाने लग गए थे ना भाई मेरा ध्यान हट गया था। तो चलो गाइस यहाँ पर जितनी फाइल्स मैंने चुराई थी वो हेलीकॉप्टर के अंदर रखी हुई है, जल्द से ले लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर तुम्हारे भाई ने सारी सारी फाइल्स वो ले ली है और इस बंदे को देखो। अब भाई साहब बंदर से सकल के दूर हो जा भाई, पीछे पड़ रखा है पता नहीं क्या सीन। अब तो भाई मिलिट्री बेस आ चुका है, सीधी सी बात है भाई तेरे मिलिट्री बेस है ना। तो चलो गाइस यहाँ पर जल्द से आगे की तरफ निकलते हैं और यहाँ पर इतने सारे बंदे खड़े हुए हैं। और एक सेकंड गाइस ये जो बंदे नहीं मेरे को मिलिट्री वाले तो नहीं लग रहे हैं, ये तो कोई अलग ही यूनिफॉर्म में भाई, क्या सीन है यहाँ पर कोई नया। चलो छोड़ो गाइस मेरे को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। सामने तरफ कर्नल है और गाइस ये जो है ना किसी टैंक पर काम कर रहे हैं और गाइस ऐसा मैंने टैंक है ना कायो पेरिको आइलैंड में भी देखा था, मतलब एल रूबियो के पास। तो कोई नहीं क्या, चलो छोड़ो भाई मैं कुछ ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। तो क्या जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो सो गाइस यहाँ पर मेरी कर्नल से बात हो चुकी है। अब गाइस यहाँ पर मैंने जितनी फाइल्स है ना वो दे दी और गाइस ये जो बंदा है ये चेक कर रहा फाइल्स को कि मतलब असली है या नकली है। मतलब गाइस इनको अब भी भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं कायो पेरिको गया था, मतलब पता नहीं क्या सीन है। और गाइस कर्नल मेरे को कुछ बताना चाह रहा है, कर्नल ये बोल रहा है गाइस तुम्हारे जो दोस्त है उनको भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा। मतलब ये क्या सीन होना भाई, डील तो यही हुई थी, मतलब गाइस लेस्टर और गाइस फ्रैंकलिन इनके पास है। तो क्या यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कर्नल से मेरी बात हो चुकी है। अब गाइस कर्नल तो ये बोला कि मेरे पीछे की तरफ आओ, तुमको कुछ चीज दिखानी है। तो चलो गाइस यहाँ पर जैसे चलते हैं कर्नल के पीछे और ना ही मेरे को यहाँ पर फ्रैंकलिन दिख रहा है ना ही गाइस लेस्टर दिख रहा है, पता नहीं कहाँ पर ही है। तो क्या यहाँ पर मेरी कर्नल से बात हो चुकी है। अब गाइस कर्नल तो ये बोल रहा है कि मैं तुम्हारी हेल्प तो करना चाहता हूँ लेकिन नहीं कर सकता क्योंकि गाइस आप लोग जो दूसरा बंदा देख पा रहे हो ना गाइस वो मिलिट्री का नया जनरल है और उसने यहाँ पर जितनी भी आर्मी थी वो भी चेंज करवा दी है। गजर जो बंदा सुट्टा उट्टा मार रहा है यही और गजर इसने मेरे अंदर मतलब मेरे में बहुत ज्यादा घूसे उसे मारते, आप लोगों को पता होगा गजर इसने भाई मेरी रेल बना दी थी यार मार मार के। और भाई यार ये काफी का खतरनाक बंदा है। कर्नल ये बोल रहा है कि गजर अगर इससे पंगे वंगे लेंगे तो फालतू मार जाएंगे। गजर कर्नल में से ये बोला कि अगर तुम अपने दोस्त को छुड़ाना चाहते हो तो गाइस यहाँ पर जनरल का काम कर दो। अब गाइस जनरल का काम ये है कि गाइस अभी जो ना एल रूबियो गाइस उसकी प्लानिंग ये है कि गाइस पूरे लॉस सैंटोस को उड़ाने की। अब गाइस यहाँ पर जो एल रूबियो है उसने गाइस न्यूक्लियर बॉम्ब गाइस लॉस सैंटोस के अंदर भिजवा दिए हैं और गाइस पूरे लॉस सैंटोस को उड़ाने की प्लानिंग कर रहा है। भाई साहब ये कैसे पॉसिबल है। और गाइस कर्नल ये बोला कि तुमको जैसे तैसे करके जो है वो जितने बॉम्ब है ना वो डिफ्यूज करने हैं और गाइस हमारे पास तो लेसर है ही नहीं तो मैं डिफ्यूज कैसे करूँगा भाई, सीधी सी बात है लेसर होता तो मैं डिफ्यूज करवा देता। लेकिन गाइस अभी कर्नल ये बोला कि तुम अभी तो जा सकते हो, तुम्हारे दोस्त तभी छूटेंगे जब गाइस तुम जो ये काम कर दोगे, मतलब गाइस ये जो बॉम्ब है ये डिफ्यूज कर दो। चलो गाइस अभी जो है ना मेरे अंदर एक दिमाग में आइडिया है। गाइस एक पेज है, आप लोगों को पता होगा लेसर की बहुत ज्यादा अच्छी दोस्त है, वो हेल्प जरूर से करेगी हमारी।
और उसको मतलब क्या बोलूं यार, मतलब वो अच्छी खासी हैकर हैकिंग वैकिंग जानती है और वो जरूर से बॉम्ब को डिफ्यूज भी कर सकती है। और हमको अभी ये भी नहीं पता है सर वो जो बॉम्ब है वो कहाँ पर है, मतलब ये कर्नल भाई पागल वागल तो नहीं हो गया ना, तो इसको ये पता कि बॉम्ब कहाँ पर है। तो क्या जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, सुगंध यहाँ पर तुम्हारा भाई बाइक को भगाते वगैरह सीधा गदर भी जो है पेज है इसकी बताई हुई जगह पहुँचने वाला है। एक तो गदर ये जो हैकर है ना, मतलब जो लेसर की दोस्त है, ये ऐसे अजीब वगैरह जगह पर पता नहीं क्या करती रहती है। गजर ये रहा इसका ट्रक के भाई इसकी जिंदगी है। तो चलो कोई नहीं गजर, यहाँ पर अपनी बाइक को लगाता हूँ और आप लोग एक बार जगह पर नजर मारो, इतनी ज्यादा सुनसान है ना, बस क्या ही बताऊँ। यहाँ पर एक बिजली का टावर दे रखा है, पता नहीं, चलो छोड़ो यहाँ पर अंदर की तरफ निकलते से कॉल करनी पड़ेगी। वैसे भी गजर ये खोलते वोलते है नहीं, मतलब ये ट्रक का गेट, और गजर बाहर से तो ये ऐसे लिख रहा है लेकिन अंदर से भाई 5-स्टार होटल से कम नहीं है, पूरा हैकिंग का बेस बना रखा है। तो चलो गजर यहाँ पर जैसे कॉल करते हैं। तो गजर यहाँ पर जो है मैं उसके ट्रक के अंदर आ चुका हूँ, और आती भाई यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हुई है, क्या ही शानदार गाड़ी लग रही है। चलो कोई नहीं, यहाँ पर जैसे आगे की तरफ निकलते हैं। और भाई साहब यार ये कितना ज़्यादा बढ़िया यार इसका अंदर की जगह का, भाई इतना ज़्यादा बाहर से छोटा सा लगता है लेकिन भाई गेट गेट है। लोग अगर पेजर से रही मेरे को गजर सारी से जो बात है वो पेजर को बताना पड़ेगा, और वो ये बता दूंगा कि अगर अभी जो बॉम्ब की लोकेशन है वो जल्द से निकाल के दे दे, अगर गजर वो जो बॉम्ब है वो एक्टिवेट हो गए तो मुसीबत आ जाएगी बहुत ही ज़्यादा। अब कैसे कैसे सिस्टम रखे हुए भाई यहाँ पर। तो गजर यहाँ पर मेरी पेजर से बात हो चुकी है। अब गजर यहाँ पर जो पेजर ने मेरे को ब्लूटूथ दे दिया, आप लोग देख पा रहे भाई मैंने कान में लगा लिया है, पेजर ये बोल लिया कि मैं तुमसे ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट। अब गजर पेजर ने मेरे को लोकेशन बता दिया तुरंत के तुरंत ही, भाई ये बहुत ही ज्यादा तगड़ी हैकर है। गजर पेजर ये बोल रही है पहले तो गजर यहां से बाहर की तरफ निकल चलते हैं। तो कैसे यहां पर जो है मैं इस ट्रक के बाहर आ चुका हूं, गजर पेजर ये बोल रही है गजर अभी जो वो बॉम्ब की लोकेशन है वो गजर एयरपोर्ट में मिली है, वो भी गजर किसी प्लेन के अंदर। प्लेन के अंदर भाई एयरपोर्ट पे, मेरे को क्या लग रहा है गजर वो जो प्लेन है वो गजर काया पेरिको से लॉस सैंटोस में आया होगा और गजर अभी जस्ट वो लैंड ही करा है। अब गजर पेजर ने मेरे को एक ऐसा डिवाइस दे दिया है जिसकी वजह से गजर मैं जो वो बॉम्ब है ना वो डिफ्यूज कर सकता हूँ चुटकियों में, अगर गजर वो एक्टिवेट ना हुआ हो तो। अगर एक्टिवेट हो जाएगा तो सीधी सी बात है उसको डिफ्यूज करना नामुमकिन है। तो ओके जैसे कि आप लोग सामने की तरफ देख पा रहे हो, गजर यहाँ पर तुम्हारे भाई बाइक को भगा दे सीधा पहुंच चुका है। अबे एक सेकंड, क्या पागल वागल लोग गए क्या के लोग भाई, कैसे अटक वटक कैसे गए भाई ये, मतलब भाई क्या प्रॉब्लम है भाई इसमें, पता नहीं समझ नहीं आ रहा है। तो अच्छे लोग जैसे जैसे करके जो है तुम्हारा भाई एयरपोर्ट पे पहुंच चुका है। अभी गजर यहाँ पर बस मेरे को वो वाला हेलीकॉप्टर का भाई प्लेन देखना है जो गजर एल रूबियो ने यहाँ पर भेजा हुआ है, और गजर उसी प्लेन के अंदर वो न्यूक्लियर बॉम्ब होने वाला है, और सीधी सी बात है मेरे को वो डिफ्यूज करना है। गजर डिफ्यूज तो हो जाएगा क्योंकि गजर यहाँ पर जो है मतलब पेजर ने मेरे को एक ऐसा डिवाइस दे दिया है। और एक सेकेंड यहाँ पर तो एक प्लेन खड़ा है, दो प्लेन खड़े, पीछे की तरफ भी एक प्लेन खड़ा है, भाई साहब मैं यहाँ पर पता कैसे लगाऊं भाई कौन सा प्लेन के अंदर है यार, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर इतने सारे बंदे बंदे खड़े हुए, मेरे को तो आई थिंक ये जो प्लेन है ये पैसेंजर प्लेन लग रहा है। तो चलो गजर आई थिंक यहाँ पर रुकना बेकार है यार, चलो गजर छोड़ते हैं, पैसेंजर प्लेन है पीछे वाला यार, सभी प्लेन सेम है यार, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कौन से प्लेन में गजर टाइम बॉम्ब लग रखा है, मतलब गजर न्यूक्लियर बॉम्ब छुपा कर रख रखा है। ये वाला जो प्लेन है इसमें भी गजर पैसेंजर बाहर की तरफ खड़े हुए हैं, भाई गजर मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है किस प्लेन के अंदर गजर यहाँ पर जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब होने वाला है, और एक आगे की तरफ भी खड़ा हुआ है गजर, इसमें भी चल के देख लेते हैं, बाकी तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो चलो गजर यहाँ पर आगे तरफ आ तो चुका हूँ, और यहाँ पर बस सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हुए हैं और कुछ भी नहीं है। तो चलो गजर यहाँ पर बस इन सिक्योरिटी गार्ड से बात बात करके देख लेता हूँ और ये बाइक मेरी कैसे गिर गई भाई, पता नहीं क्या से नुका बाइक अपने आप नशे करके गिर गया है। तो कोई नहीं, बाकी तो गजर ये जो कार्गो ट्रांस जो भी है ना प्लेन व्लेन कितने तगड़ तगड़े ना। तो कैसे यहाँ पर मेरी इस बाउंसर से बात हो चुकी है, गजर ये जो बाउंसर ये बोल रहा है गजर ये जो प्लेन है ना ये गजर किसी अलग कंट्री से यहाँ पर आए और किसी अलग कंट्री से जा रहे हैं, एक सेकंड इन दोनों के दोनों प्लेन तो उड़ चुके हैं, और भाई साहब यहाँ पर मेरे को तो ये भी नहीं पता गजर किस प्लेन के अंदर वो न्यूक्लियर बॉम्ब था। एक सेकंड गजर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, यहाँ पर दो प्लेन तो उड़ चुके हैं, तुम्हारी ऐसे कम तैसी, सॉरी सर निकल यहाँ से, और तू भी निकल यहाँ से, मेरे को ये प्लेन चाहिए जैसे तैसे करके, मेरे को नहीं पता भाई कौन से प्लेन में गजर न्यूक्लियर बॉम्ब रखा हुआ है। गजर अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं ये सोचने का कि गजर किस प्लेन के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब रखा है, अब गजर मेरे को तो यही लग रहा है क्योंकि गजर इसके पास कोई भी पैसेंजर नहीं था। अब गजर सबसे पहले तो इसको जो है एक सीक्रेट जगह पर मतलब एक सेफ जगह पर लेके जाना पड़ेगा, क्या पता ये भाई फटवट ना जाए। तो चलो गजर यहाँ पर तुम्हारे मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से टेक ऑफ कर दिया है। ओ भाई साहब एक तो गजर ये जो प्लेन है ना तो एक कार्गो प्लेन है ना तो कोई सही है,
पता नहीं गाइस यहाँ पर क्या सीन हो रखा है, एक बार पेजर इसके पास में कॉल कर दूँ। वैसे गाइस इसको जिन्हें एक सेफ जगह पर लेके चलते हैं, वहीं जाकर देखें क्या सीन है। ओ आराम से आराम से भाई, इतना ज़्यादा बड़ा है ना भाई ये, बस क्या ही बताऊँ। बाकी एल रूबियो की जो चाल है वो गाइस यहाँ पर मैं फेल करने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से। बेटा एल रूबियो तो जितना सोचता है ना उससे भाई तेरे से 10 कदम हम आगे सोचते हैं। तो गाइस अभी पेज हैरिस की मेरे पास को लाइए। गाइस पेज हैरिस मेरे से ये बोल रही है कि जिस प्लेन के अंदर तुम बैठे हो वो प्लेन भाई नॉर्मल प्लेन है, उसके अंदर कोई भी कुछ भी नहीं है, पूरा खाली है, और न्यूक्लियर बॉम्ब वाला जो प्लेन है वो कहीं और से था। अब यार ये क्या सीन हो गया भाई, गाइस यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा गलत सीन हो चुका है। और एक सेकेंड, ये क्या सीन हो भाई, इसमें कुछ हुआ है क्या भाई, इसमें धुआं क्या निकलने लग गया भाई इतना। गाइस बहुत ही ज़्यादा बुरा सीन हुआ। और भाई उत्तरी भैंस की, ये तो गाइस लीकेज कर रहा है एक तरीका, लीकेज का भाई, इसमें तो आग लग चुकी है भाई सब। गाइस पेजेस ने मेरे को बता दिया है, गाइस उन्होंने गाइस जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो गाइस एक पानी के अंदर फेंक दिया है, मतलब समुद्र के अंदर। वो तेरी भैंस की, तो गाइस बहुत ही ज़्यादा बुरा सीन हो चुका है। तो यहाँ पर मेरे को प्लेन छोड़ना पड़ेगा जैसे तैसे करके। तो चलो गाइस 3, 2, 1 लेट्स गो। यहाँ पर तुम्हारे भाई ने गाइस प्लेन को छोड़ दिया, क्योंकि ये जो प्लेन है ये गाइस हमारे किसी काम का नहीं था, इसके अंदर कुछ भी नहीं है फालतू में। गाइस यहाँ पर मैंने इतनी, वो तेरी भैंस की भाई साहब, गजरी प्लेन के अंदर पता नहीं आग कैसे लग गई थी, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। ओते भाई सब गजर फट फुट के राख हो चुका है और मेरे को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर ये प्लेन के अंदर कैसी आग लगी। वो तो अच्छा होगा यहाँ पर मेरे पास पैराशूट वैराशूट मैं हमेशा साथ रखता हूँ यार, ना तो भाई बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ जाती। वो तो अच्छा होगा पेज ने मेरे को कॉल करके बता दिया, ना तो भाई पता नहीं मैं आज भाई मैं जिंदा नहीं बचता। ओ आराम से आराम से। तो अच्छे लगा तुम्हारे भाई ने यहाँ पर बड़े प्यार से लैंडिंग कर ली है। तो गाइस पेज हैरिस की यहाँ पर मेरे पास दोबारा से कॉल आई थी, पेज हैरिस ये बोली जो भी करना है जल्दी करो क्योंकि गाइस बॉम्ब का जो टाइमर है वो ऑन हो चुका है। ओ एक सेकंड, सर आपकी मेरे को गाड़ी चाहिए जल्दी से मैडम जी, पहली फुर्सत में। अबे एक बार सुनाई नहीं आ रही क्या, जब बोल दिया जल्द से उतर जा। तो चलो गाइस यहाँ पर जो गाड़ी को लेकर सीधा निकलते हैं गाइस अभी जो ना पेज हैरिस की बताई हुई जगह पर, और वो जो बॉम्ब है वो गाइस पानी के अंदर जा चुका है। गजर पेज ने भाई पता नहीं कैसे देख पा रही है, और उसे अभी जो मैंने ट्रैवलर के पास कॉल कर दी, मैंने ट्रैवलर से बोल दिया जल्द से जल्दी भाई मेरी लोकेशन पहुंच, क्योंकि गजर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा भाई बुरा सीन भी हो सकता है। और गजर यहाँ पर जो कर्नल था वो सही बोल रहा था, ये जो एल रूबियो का बच्चा है गजर, इसने बहुत ही तगड़ा एक बॉम्ब को प्लांट मतलब फोड़ने की प्लानिंग कर रहा था, पता नहीं क्या सीन है। खुद तो भाई काया पैरे को बैठा हुआ ना, और यहाँ पर तेरी भैंस की भाई कहाँ भाई भाई, गजर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गलत सीन हो चुका है। और भाई लो भाई ये गाड़ी पता नहीं पहुँच पाएगी नहीं पहुँच पाएगी, तो कोई नहीं अब मुझे लग रहा है भाई गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी यार। गजर फ्लो फ्लो, ओ सर मैडम जी, सर भाई भाई भाई, भाई गाड़ी जल्द से छोड़ दीजिए भाई साहब, इसकी भी गाड़ी देनी पड़ेगी। एक बार जब बोल दिया ना जी तो कर गजर लात बजा दूँ। तो चलो गजर यहाँ पर इसी गाड़ी को लेकर चलते हैं सीधा गजर पीछे, पेज है इसकी बताई हुई जगह पर। तो क्या जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, तुम्हारा भाई गाड़ी को भगाते वक्त सीधा गजर पहुँच चुका है गजर भाई उसी समुद्र में, जिस समुद्र में गजर मेरे को पेज है बता रही थी। अब गजर यहाँ जल से उतरता हूँ, और यहाँ पर मैं कहाँ ढूंढू भाई, गजर इसी समुंदर में गजर वो जो किसी ना किसी प्लेन में से गजर गिरी गई है, और भाई साहब मैं कहाँ ढूंढूंगा। तो चलो गजर यहाँ पर एक सबमरीन तो नहीं है भाई, क्या चीज़ है। तो चलो गजर इसके अंदर बैठते हैं जल्दी से भाई, किसी की भी हो यार इसके अंदर बैठ जाते हैं। और गजर वो तो अच्छा हो गया यहाँ पर हमको दिख चुकी है। अब भाई यार ये लोक वोक कर रखी है क्या, मेरे को ऐसा कुछ लग रहा है। तो चलो गजर तुम्हारा भाई जो यहाँ पर बड़े प्यार से भगाने वाला, अब ये क्या सीन हो भाई, कुछ ना कुछ तो गलत सीन होता। तो अच्छे लगो यहाँ पर तुम्हारा भाई जल्द से अंदर की तरफ लेके चलते। अबे भाई भाई, भाई मुझे क्या लग रहा है गजर ये जो ना गहरे समुंदर के लिए है। तो अच्छे लगो जरा फाइनली ये जो है नीचे की तरफ जा चुके। ओ आराम से आराम से भाई, नीचे से टकरा भी रही है भाई ये, बड़े प्यार से मेरे को उसको लेके जाना पड़ेगा। एक तो गजर यहाँ पर फर्स्ट टाइम इसको चला रहा हूँ भाई, मैंने आज तक कभी बैठा नहीं उस पर। ओ भाई साहब यहाँ पर कहाँ पर है, एक सेकेंड, ये मेरे को एक जगह जमीन से लग रही, जमीन से नहीं एक रोड सा टाइप का कुछ लग रहा था। एक सेकंड एक गया था मेरे को कुछ दिखा था अभी, एक रोड टाइप का, और यहाँ पर तो प्लेन भी फटा पड़ा क्या हो रखा है गजर। एक सेकंड ये ना गजर प्लेन पूरा क्रैश हो रखा है यार, और अंदर की तरफ इसके अंदर ड्राइवर भी बैठा हुआ है क्या, मेरे को ऐसा कुछ नहीं। ड्राइवर कहाँ है भाई, कितने सालों पहले ये फटा होगा, और भाई ड्राइवर की तो आते आते बाहर आ गए होंगे। एक सेकंड गजर अगर ये यहाँ पर है तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर और होगा। तो चलो गजर यहाँ पर आराम से मैं देख लेता हूँ यहाँ पर क्या क्या पड़ा हुआ है। ओ बड़े प्यार से, नहीं नहीं यार ये तो जमीन से टकरा रही है ना भाई, डैमेज ना हो जाए। और एक सेकंड यहाँ पर तो किसी टाइप के घर वरी बन रखे हैं, और ये भाई समरी ने मुझे क्या लग रहा भाई नशे वशे कर लिए क्या, पता नहीं क्या सीन है। तो चलो यहाँ पर तुम्हारे भाई ने बड़े प्यार से कुछ चलाने स्टार्ट कर दिया। ओ यार ये मोड़ क्यों नहीं दी भाई, ओ तेरी भैंस की। एक तो यहाँ पर टॉर्च ऑन करो, टॉर्च ऑन कर दिया है, और नीचे की तरफ घर, पानी के अंदर घर भाई, पानी के अंदर घर कैसा हो सकते हैं। और एक सेकंड गजर मेरे को वो टाइमर बॉम्ब दिख चुका है, ये रहा गजर मेरे आंखों के सामने है। और भाई भाई गजर यहाँ पूछना इसको जल्द से अटैच करते हैं और लेके निकलते हैं
भाई साहब इसको गजर यहाँ से लेके निकलना पड़ेगा, अगर ये फट गया नीचे की तरफ तो पूरा लॉस सैंटोस तबाह हो जाएगा यार। वो नीचे की तरफ ये घर वर क्या कर रहे हैं भाई, बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स बन रखी हैं भाई, पानी के अंदर बिल्डिंग। मुझे क्या लग रहा है अगर कभी वर्ल्ड वॉर हुआ होगा तो गजर उसमें डूब गई होंगी। अब भाई अटैच करता हूँ मैं, कहाँ की बातें देखने लग गया भाई। तो क्या जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, फाइनली मैंने जो इसको अटैच कर दिया जैसे तैसे करके, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी लेकिन तुम्हारे भाई ने अटैच कर दिया आराम से आराम से। तो चलो गजर इसको जो आग की तरफ लेके चलते हैं। ओ ओ ओ आराम से। और गजर ये क्या बना रखा है भाई उन्होंने, मैं गजर देख के जाने वाला हूँ, कुछ ना कुछ तो गलत सीन है भाई यहाँ पर, कुछ ना कुछ तो चल रहा है। और आराम से भाई, अब भाई ये क्या सामने भाई बिल्कुल घटिया है, या तो मेरे पर कंट्रोल करनी नहीं आ रही है, ये जैसे कंट्रोलिंग भाई मेरे को कंट्रोल करनी नहीं आ रही है, सीधी सी बात है। तो चलो गजर यहाँ पर जैसे इसको ऊपर की तरफ लेके चलते हैं, वो बड़े प्यार से मैं तुम्हारा भाई जो इसको ऊपर की तरफ लेके जाने वाला है। बट और गजर यहाँ पर मैंने ट्रैवर के पास भी कॉल कर दिया, ट्रैवर भी गजर आता होगा, मैंने ट्रैवर को बोल दिया कि तेरे घर के बिल्कुल बगल में है यार, इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलो गजर आराम से आराम से आराम से ऊपर की तरफ पहुँच जाए, लेट्स गो। ऊपर तरफ पहुँच चुके हैं। ओ अबे अभी तो ऊपर की तरफ गई थी, दोबारा से मैंने नखरे कर दिए भाई ये सबमरीन। तो क्या जैसे कि आप लोग ये देख पा रहे हो, तो फाइनली मैं जो है ना टापू पहुँच चुका हूँ, जमीन पहुँच चुका हूँ, यहाँ से उतरता हूँ। और भाई इसको देखो, मतलब भाई ये जो बंदा है इतना ज़्यादा कमाल का है ना, बस क्या आराम से आराम से आराम से मैं कहाँ फंस गया। तो चलो गजर इसको देखो भाई, ट्रैवर यहाँ पर आ चुका है, और ट्रैवर भाई मेरे को बाइनोक्यूलर से देख रहा है पानी की तरफ। अबे ट्रैवर इसको पता नहीं भाई मैं आ भी चुका हूँ। अबे भाई यार क्या लक है भाई, ट्रैवर बिल्कुल सही ट्रक लाया। अबे ट्रैवर मेरी बात सुन, नीचे की तरफ आ चुका हूँ, क्या करने में लग रहा है। तो गजर जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, सो गजर यहाँ पर मैंने और ट्रैवर ने गजर इसको जो है यहाँ पर अटैच कर दिया है। अभी गजर जल से निकलता है, और गजर पेजर ये बोल रही है कि तुम्हारे पास बस 3 मिनट है, जल्दी करो जो करना है, 3 मिनट। और भाई सब गजर जल से भगाते 3 मिनट भाई, मेरे को लग रहा है गजर यहाँ पर सेफ जगह पहुँच पाएंगे। ओ ओ भाई अब यहाँ पर शॉर्टकट लेना है, और गजर कोई सेफ जगह पर निकलते हैं। अगर गजर यहाँ पर मैंने बीच यार बीच अगर फट गया ना तो भाई आधे से ज़्यादा लॉस सैंटोस खराब हो जाएगा, खराब के ख़त्म हो जाएगा। तो चलो अबे साइड हट जाओ, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ी मुसीबत आने वाला है तेरी भैंस की। मैं क्या उत्तरी भैंस भाई, भाई भाई लो यार यहाँ पर भाई ये बंदे हटने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। तो क्या जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, मैं अपनी गाड़ी को भगाते भगाते बहुत ज़्यादा आगे आ चुका हूँ, और इससे ज़्यादा सेफ जगह मेरे को कहीं पर भी नहीं लग रही है। 3, 2, 1 लेट्स गो। अबे ट्रैवर जल्द से उतर जा भाई, यहाँ पर मैं तो कूद चुका हूँ, पता नहीं ट्रैवर कूदा नहीं कूदा भाई, ट्रैवर भी आई थिंक कूद ही गया होगा। अबे ट्रैवर जल्द से आ जा। ओ भाई साहब पीछे की तरफ आप लोग देखो भाई क्या ब्लास्ट हुआ है। अच्छा होगा जर यहाँ पर जो दूर की तरफ आ चुके थे ना, तो भाई पूरा लॉस सैंटोस भाई आधे से ज़्यादा सिटी जो है ना खराब हो जाती। तो चलो गजर भाई यहाँ पर मैं जल से निकलता हूँ, और गजर फाइनली हम जो सेफ हो चुके हैं। और भाई 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 क्या सीन था यार ये, पहले गजर प्लेन का मतलब प्लेन में आग लगी, गजर ये एल रूबो के बच्चे के पता नहीं क्या क्या और प्लानिंग हो सकती है। ट्रैवर आ रहा नहीं आ रहा भाई, ट्रैवर पीछे की तरफ जल्द सा भाई, यहाँ पर एक भी गाड़ी नहीं है, और अब तक एक्सप्लोजन हो रहा है। और गजर ये जो एक्सप्लोजन है ना, इसके अंदर गजर एक तरीके की मतलब जो गजर इसका स्मोक है ना वो जहरीला है, इसलिए गजर यहाँ पर मैं इसको लाया था मतलब न्यूक्लियर बम को। अगर लॉस सैंटोस में फट भी जाता ना, अगर फटता मतलब अगर इतनी भी सिटी तबाह ना हो पाती तो गजर उसके स्मोक से मतलब न्यूक्लियर बम के स्मोक से पूरे लॉस सैंटोस के बंदे मर जाते हैं। तो चलो गजर यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा दूर आ चुके हैं। अब ट्रैवर कहाँ रह गया, तो चलो गजर वो आ रहा है ट्रैवर। और गजर फाइनल जो एक्सप्लोजन है वो भी थोड़ा बंद हो चुका है, लेकिन गजर उसका जो स्मोक है ना जो जहरीली स्मोक है वो गजर सारे फैल सकती है, तो गजर इसलिए मैं थोड़ा दूर हो जाता हूँ। ओ ओ ओ आराम से भाई ट्रैवर जल्द से आ, एक तो कोई ट्रैवर इतना सुस्त कहाँ से पड़ी है भाई। अबे ट्रैवर आराम से भाई मस्त मोला होकर आ रहा है, इसको देखो मैं भाई साहब मैं क्या पार्क वारक में घूमने के लिए आया क्या, एक बार इसको देखो भाई कितना ज़्यादा मजे में चल रहा है। तो चलो गजर फाइनली भागने स्टार्ट कर दिया है। और गजर यहाँ पर आप लोग मेरे को पता ना गजर अब जो है लेसर और गजर जो फ्रैंकलिन है वो छूट सकते नहीं छूट सकते, हमने गजर उनका काम तो कर दिया है मिलिट्री वालों का। अब गजर थोड़ा वेट करते हैं, और गजर भाई अगर अब मिलिट्री वालों नहीं छोड़ा ना, मैं सही बता रहा हूँ यहाँ पर जो मिलिट्री बेस में अटैक करने के अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं है। तो चलो गजर आई थिंक आज के वीडियो के लिए बच सकते हैं, आपको अच्छी लगी अच्छी लगा कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब लेना, मैं मिलता हूँ उसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down.